खुशी का दिन है कि एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए आज तक भारत को एथलेटिक्स में कोई भी गोल्ड नहीं था। आज नीरज चोपड़ा किन्ने आज भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उन्होंने 87 पॉइंट कुछ के जेवलिन थ्रो करके आज भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। आज पूरा देश जो है वो खुशी से झूम रहा है। पूरे देश में तिरंगे हाथों में लेकर मिठाई बांटी जा रही है और जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ नाचा जा रहा है। ये सब नीरज चोपड़ा की वजह से है कि आज नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक में टोक्यो में भारत का तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर ऊंचा किया है और उस तिरंगे के लिए राष्ट्रीय गान गाया गया। देखिए ये एक बहुत ही खुशी का पल है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं कि जो लगातार खिलाड़ियों के साथ संपर्क में रहे और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहे। जिस प्रकार से उनकी वीडियो आई है, चाहे वो हॉकी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, उनके साथ लगातार वो संपर्क रहे और उनसे बातचीत करते रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, जितने भी ओलंपिक प्लेयर ओलंपिक के लिए जो प्लेयर गए हुए हैं उन सभी को 15 अगस्त लाल किले के ऊपर उनको निमंत्रण दिया गया है कि वो वहां पर गेस्ट के तौर पर वो वहां पर आएंगे। ये उनके लिए एक संविदा उनके सम्मान के लिए उनको वहां पर एक सम्मान मिला है और आने वाली पीढ़ियों में जो लोग आज स्पोर्ट्स के से निराश थे वो भी स्पोर्ट्स की ओर उनका ध्यान जो है वो अग्रसित होगा और वो लोग भी स्पोर्ट्स की ओर जो है वो बढ़ेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी प्लेयरों का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनका जो है उन्होंने हमारे देश को आज ये गौरव पल दिया है, इसके लिए हम उनके लिए बहुत भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नीरज चोपड़ा वंदे मातरम। नीरज चोपड़ा जिंदाबाद।